फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि बॉन्डिंग इन कार्बन एटम द कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन हैज फोर इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोशन। ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जस्ट आप रीड आउट करेंगे और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। कार्बन हैज फोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोशन एंड नीड टू गेन और लूज फोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन नॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी कि हमारे पास कार्बन जो होता है वो आउटर मोशन में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा दो आइटम्स के दरमियान में और अटेन कर लेगा। उसका मकसद क्या है कि नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन को अटेन करना है उसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इट कुड अटेन इट कुड गेन फोर इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव एनायन, ठीक है। जब एटम कार्बन एटम चार इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो इसके ऊपर फोर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद सिक्स प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन दैट इज फोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है कार्बन का उसमें मौजूद होते हैं सिक्स प्रोटॉन, ठीक है, जो कि इन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की एबिलिटी नहीं रखते, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। इसी तरह से हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। फिर हम बात करते हैं इट कुड लूज फोर इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग फोर C4 नेगेटिव कैटायन बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव फोर इलेक्ट्रॉन हैविंग लीविंग बिहाइंड कार्बन कैटायन विद सिक्स प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यह है कि हमारे पास जो कार्बन है C4, अगर कार्बन चार इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और अगर लूज करेगा और अटेंड कर देगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस जो कि हीलियम, उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेंड करेगा, तब भी इसके जो न्यूक्लियस है उसमें मौजूद चार सिक्स प्रोटॉन होते हैं और वो जो सिक्स प्रोटॉन होते हैं वो सिर्फ इन दो इलेक्ट्रॉन्स को ही होल्डिंग करेंगे बल्कि इसके जो आउटर मोशन में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी होल्ड किए रखेंगे, उनको लूज नहीं होने देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास भी ऑल पॉइंट भी रिजेक्ट हो गया। अब हमारे पास देखते हैं हमारे पास के जो कार्बन होता है वो अटेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। दो एटम्स के दरमियान में कोई भी हम लोग एटम ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, दूसरा भी हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, इसकी भी वैलेंसी पूरी, ठीक है, और इसकी भी वैलेंसी पूरी हो जाती है, यानी कि इसकी भी कमी पूरी हो जाती है, इसकी भी कमी पूरी हो जाती है, इसके भी आउटर मोशन में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसके भी आउटर मोशन में दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। यहाँ पे इस हाइड्रोजन की बात करें तो ये भी अटेन करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम एटम को और ये भी अटेन कर देता है जो कि नोबल गैसेस है, ठीक है, और ये भी अटेन करता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हीलियम एटम को और ये हीलियम जो है ये स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है और ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, नोबल गैसेस से बिलोंग करता है। अब हम नोबल गैसेस जो होती हैं वो पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप होता है ग्रुप नंबर 8, ठीक है, वो जो सारा ग्रुप होता है उसमें जितने भी एटम्स मौजूद हैं वो सारे नोबल गैसेस होती हैं। वो नोबल गैसेस इस वजह से कहलाती हैं क्योंकि वो नोबल होती हैं, नोबल इस वजह से कि वो किसी के साथ ना बॉन्ड बनाती हैं, ना लूज करती हैं, ना शेयर करती हैं, ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन करती हैं दो एटम्स करती हैं, ठीक है, कोई भी बॉन्ड वो बनाती नहीं है, इस वजह से वो नोबल होती हैं क्योंकि वो स्टेबल होती हैं, उसके आउटर शेल कंप्लीट होते हैं, वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने का मतलब वो एटम स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कार्बन जो होता है उसमें टाइप ऑफ बॉन्डिंग जैसे होती है, किस तरह की बॉन्डिंग शो करता है। हम पहले बता चुके हैं कि जो कार्बन होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है दो एटम्स के दरमियान में और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द पार्टिसिपेटिंग एटम, ठीक है, दो एटम है हमारे पास, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हुए हैं, इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब क्या है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड शेयर पेयर ऑफ बॉन्डिंग पेयर,
ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि आपस में शेयर हुए हैं, उन शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोग इसका नाम देते हैं शेयर पेयर का नाम लेते हैं या फिर बॉन्डिंग पेयर का नाम लेते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग पेयर या फिर शेयर पेयर का नाम लेते हैं। अब पेयर क्या होता है, पेयर ऑफ शूज, ठीक है, मतलब दो चीजों का जोड़े को हम लोग पेयर का नाम लेते हैं, जैसे पेयर ऑफ शूज आ जाता है, ठीक है। हर एक दो चीजें होती हैं उनके कंबाइंड स्ट्रक्चर को किसका नाम देते हैं, पेयर का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट की, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने आपको बता दिया है कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ या फिर वीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से होते हैं क्योंकि उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है देन आयनिक कंपाउंड से। फिर हमारे पास हम यहाँ पे बॉन्डिंग में सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, किसकी, हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है जी वन, ठीक है, इट हैज वन इलेक्ट्रॉन इन कैशन, आपको समझ आ रही होगी इस तरह से, इट रिक्वायर्स वन मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल कैशन। इसको हम लोग हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना कैशन को कम्प्लीट करने की। कैशन में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसको जरूरत है अपने ऑटोमोशन में या फिर अपने के शेल में दो इलेक्ट्रॉन को पूरे करने की। अब सो द टू हाइड्रोजन एटम्स शेयर द इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन एटम जो होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और बना देते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जिसको H2 का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें ये किससे बनते हैं, H+H से बनते हैं, ठीक है। Each hydrogen atom to attain the electronic configuration of nearest noble gas helium. अब देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है हमारे पास, इसका इलेक्ट्रॉन जिसको एक्स से शो किया गया, इसका हाइड्रोजन है इसका भी इलेक्ट्रॉन जिसको एक्स से शो किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे, शेयर होंगे तो इस शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। और ये जो पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा इसको H2 का नाम दे देंगे। और फिर अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, तो ये हाइड्रोजन जो है इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब टू हो जाएगी, और इस एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी टू हो जाएगी, वैसे इलेक्ट्रॉन और टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास नोबल गैसेस में मौजूद एक एटम है जिसको हम लोग हीलियम का नाम देते हैं, HE से शो करते हैं, ठीक। ये हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो सिक्स ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके ऑटोमोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा भी एटम है हमारे पास ऑक्सीजन टू जिसके ऑटोमोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना शो किए गए हैं, यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन ये, दो ये, दो ये सामने, ठीक है, इसके भी दो, चार और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ये अब क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, दो अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसका नाम देते हैं, शेयर पेयर का नाम देते हैं, या फिर ये एक पेयर है, ठीक है, ये दूसरा पेयर है, या फिर बॉन्डिंग पेयर का नाम देते हैं। तो हमारे पास इन्होंने भी आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, और इसके भी यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, हम अब गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, ये भी अटेन कर लेगा नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन को। और ये जो एटम है इसके भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हम लोग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स किसको शो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन को शो करते हैं। अब हमारे पास और अटेन कर देते हैं नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन के, यहाँ पर हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन एटम की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास है जी N2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, इसके ऑटोमोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके ऑटोमोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3-3 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर कर देंगे, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, आप इसके इलेक्ट्रॉन को अगर हम गिनना चाहें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे, और इसके भी अगर गिनना चाहें तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी पूरे हो जाएंगे और अटेन कर देंगे किसको, अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ नोबल गैस,
नोबल गैसेस में किसी एक ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन को अटेन कर लेंगे। अटेन उसके इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन अटेन करने का मतलब है वो जो नोबल गैसेस है उनके इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन है स्टेबल है, फेल है, उनके ऑटोमोशियल फेल है। तो ये भी जब ऑटोमोशियल उनके फेल हो जाएंगे तो किसकी तरह एक्ट करेंगे, नोबल गैसेज में जो एटम्स मौजूद हैं उनके तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि अटेन कर लेंगे नोबल गैसेज के इलेक्ट्रॉनिक कंजुगेशन को। थैंक यू।